नमस्कार दोस्तों, अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में, जो कि ये आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली है। तो ये टैबलेट अनचाहे गर्भ को रोकने का काम करती है। अगर कोई महिला सेक्स के बाद प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है तो अनवांटेड 72 गर्भ निरोधक गोली का यूज कर सकती है। अनसेफ सेक्स के कुछ घंटों के भीतर ही गोली का यूज करने से अनचाहे गर्भ की समस्या से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस गोली का उपयोग करके प्रेगनेंसी की संभावना को रोका जा सकता है। अनवांटेड 72 को हार्मोनल टेबलेट की भी कहते हैं, क्योंकि इस टेबलेट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। इन मेडिसिन का इस्तेमाल अनसेफ के 72 घंटों के भीतर ही कर लेना चाहिए, इसीलिए इस दवा का नाम भी रखा गया अनवांटेड 72। दोस्तों, अनवांटेड 72 का इस्तेमाल रेगुलर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी एक आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली है। इसका इस्तेमाल आपको जरूरत पड़ने पर ही करना होता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो आगे चलकर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आगे हम जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, अनवांटेड 72 में लेवोनोर्जेस्टेरॉल के कंपोजिशन के रूप में पाया जाता है। ये एक हार्मोनल दवा है। अनवांटेड 72 की एक स्ट्रिप में एक गोली होती है। इसमें लेवोनोर्जेस्टेरॉल 1.5 mg होता है। तो दोस्तों, अनवांटेड 72 टेबलेट का इस्तेमाल आपको सेक्स करने के 72 घंटों के अंदर ही कर लेना है। इसके बाद ये काम नहीं करेगा। और याद रखे, इसका इस्तेमाल आपको जितना ही जल्दी करेंगे उतना ही कारगर होगा, और जितना ही लेट करेंगे इसका कार्यक्षमता उतना ही कम होते जाएगा। दोस्तों, बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखा गया है कि इसका इस्तेमाल सेक्स करने से पहले ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसका इस्तेमाल आपको सेक्स के बाद ही करना है, और आपको सिर्फ इसका एक ही टेबलेट लेना है। बहुत लोग प्रेगनेंसी के डर से बार बार यूज करते हैं। ऐसा बार बार यूज करने से आगे नुकसान हो सकता है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल हल्का खाना खाने के बाद ही करें। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इनमें बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हो भी सकता है ये परेशानी हो सकता है, जैसे पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग होना, जी मचलाना, उल्टी होना, थकान होना, सिर दर्द की समस्या, चक्कर आना आदि समस्या हो सकते हैं। तो अगर आपको अनवांटेड 72 टैबलेट की लेने की कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी नज़दीक की डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यूज करें। और वीडियो के आखिर में बताना चाहेंगे कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।